हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम क्या ऐड करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 50 मिस स्पेल वर्ड जो आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए जनरली ये वर्ड हमें इनका मीनिंग तो मालूम होता है, बट जब हम इन लिखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं, जिससे हम इनकी स्पेलिंग जो होती है उसको करेक्ट नहीं लिख पाते। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है मीनिंग के हिसाब से तो, बट यदि स्पेलिंग के हिसाब से करें तो हम हमेशा गड़बड़ कर जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, ये टॉप जो है 50 मिस स्पेल वर्ड हम करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, चलिए सारे वर्ड हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहला वर्ड है हमारा लाइसेंस। लाइसेंस की क्या क्या मतलब होता है लाइसेंस का भाई? जो किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं, तो आपका मेल जोल बढ़ता है। लाइसेंस का मतलब ही होता है मेल जोल। तो स्पेलिंग क्या होगी इसकी? इसकी स्पेलिंग होती है LIAISON, यानी कि ऑप्शन वन है हमारा राइट आंसर। सुपर न्यूमेररी। सुपर न्यूमेररी का मतलब क्या होता है हिंदी में से बोलते हैं फालतू, विच इज समथिंग दैट इज एक्सेस देन नॉर्मल, उसे हम बोलते हैं सुपर न्यूमेररी। तो सुपर न्यूमेररी की स्पेलिंग होती है SUPERNUMERARY। सो ऑप्शन टू है आपका राइट आंसर, SUPERNUMERARY। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैं आपसे वर्ड बोलता हूं, जैसे ये वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं हेमोरेज, आपको पहले देखना है, आपको अपने मन में सोचना है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, फिर आपको आंसर देखना है, ठीक है? तो हेमरेज की सही स्पेलिंग होती है दोस्तों HEMORRHAGE। सो डबल आर आता है हेमरेज की स्पेलिंग में और अंत में HAGE आता है। तो ऑप्शन तीन है इसका राइट आंसर। हेमरेज जिसे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे सिर में चोट लग जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसे हम हेमरेज बोलते हैं। तो ये है आपका HEMORRHAGE। मिस्चीवियस, शरारती। सो मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों, बताइए? मिस्चीवियस की स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, हम VIOUS लिख देते हैं जो गलत हो जाता है। सो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, MISCHIEVOUS। कॉरेस्पॉन्डेंट की क्या स्पेलिंग होगी? कॉरेस्पॉन्डेंट जिसे हम संवाददाता भी बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट की ध्यान रखना दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंट में डबल आर आता है और अंत में DENT आता है, ठीक है? सो ऑप्शन टू और थ्री तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक में सिंगल आर और एक में ENT है, वो बाकी हम देख लेते हैं कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, अब कहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है हमें PE और PO में। सो ध्यान रखना कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होता, पॉन्डेंट होता है। So, ये गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया आपका ऑप्शन वन। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है? आपको आसानी होगी। रिकॉनाइसेंस की क्या स्पेलिंग होती है? ध्यान रखना दोस्तों, रिकॉनाइसेंस के अंदर दो एन आते हैं और दो एस आते हैं। सो जहां पे ये पेयर नहीं है वो तो गलत है। ऑप्शन वन गलत हो गया, ऑप्शन टू गलत हो गया, ठीक है, और ऑप्शन फोर गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। ऐसे ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनमें ज्यादा रिपीटेशन होती है, मैं उसको पेयर बना के याद रख लेता हूँ कि डबल एन के दो पेयर हैं, डबल एस के दो पेयर होते हैं इस वर्ड में, ऐसे आपको आसानी होती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में, ठीक है? सो रिकॉनाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है? RECONNAISANCE। एलिविएट की क्या स्पेलिंग होती है, ठीक है? सो एलिविएट की क्या स्पेलिंग होती है दोस्तों, ध्यान रखना एलिविएट में डबल एल आता है पहली बात तो, और हम एलिविएट बोल रहे हैं ना कि वेट बोल रहे हैं। एलिविएट यानी कि VIATE आता है। सो एलिविएट की सही स्पेलिंग होगी ALEVIATE। ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपकी हायरार्की। हायरार्की की क्या स्पेलिंग होगी दोस्तों? देखिए हायरार्की में ध्यान रखना कि आखिरी के जो चार लेटर होते हैं वो RCHY होते हैं, ठीक है? हायरार्की, तो अब आपको पता है हायरार्की जो आपका होगा HI से शुरू होगा ना कि HE से।
ऑप्शन वन और फोर तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं याद रखता हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड, तो मेरे को पता है हायरार्की में कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, रिपीटेशन यहाँ पे डबल आर की हो रही है, तो ऑप्शन थ्री आपका बच गया, वो है राइट आंसर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका डायरिया। डायरिया ध्यान रखना दोस्तों, कई जगह पे आपको ये वाली स्पेलिंग मिल जाती है डायरिया की। डायरिया कंडीशन को बोलते हैं जो लूज मोशन हो जाती है, बेसिकली जो लूज मोशन की कंडीशन होती है उसी को डायरिया बोलते हैं। लूज मोशन तो डॉक्टर को बीमारी मानते ही, डायरिया बोलते हैं उसको। सो कई जगह पे ऑप्शन थ्री वाली स्पेलिंग देखने को मिल जाती है, बट रियल जो स्पेलिंग होती है ध्यान रखना, उसके अंत के जो चार लेटर होंगे वो होंगे OHEA, तो यहाँ पे, और इसमें एक पेयर होता है डबल आर का। तो ये सारी कंडीशन मेरे को ऑप्शन फोर में मिलती है, DIARRORHEA। मिसलेनियस, मिसलेनियस का स्पेलिंग देखिए, मिसलेनियस का ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी फोन आ गया था बीच में। सो मिसलेनियस, मिसलेनियस में मैंने आप जैसे रख रखा है, मिसलेनियस के अंत में EOUS आता है और इसमें एक ही रिपीटेशन पेयर होता है डबल है। ठीक है, सो MISCE LLANEOUS, ये स्पेलिंग होती है। कहाँ पे ये सारे लेटर मिले आपको? ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन फोर में एक एल है, ऑप्शन दो में दो एल है, बट ये जो आपका SE है ना, कि मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस नहीं होता, तो ऑप्शन थ्री गलत हो गया। सेलेनस ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन वन बचता है, वो है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम। वैक्यूम में मैंने गांठ बांध रखी है इस बात की, वैक्यूम में W होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू सी है इसके अंदर, इसमें कोई रिपीटेशन ही नहीं है, इसमें डबल सी और W दोनों दे दिया, तो एक ही W, एक ही पेयर होता है। ठीक है, रिपीटेशन का, तो ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। रिपीटेशन की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे ये W का पेयर है, ठीक है, ये एक ही जगह पे यूज किया गया है पेयर, डबल ए ऐसे यूज कर लिया जाता है, डबल ई उसे यूज कर लिया जाता है, मैं ऐसे पेयर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ए यहाँ पे है वर्ड में और आगे तीन चार लेटर लिख के फिर ए आ गया, ऐसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पेयर में ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉन्टिफिशियल, पॉन्टिफिशियल की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? पॉन्टिफिशियल की स्पेलिंग होती है PONTIFICL। वो जो जैसे क्रिश्चियंस में होते हैं ना पोप वगैरह, उनसे जो रिलेट करते हैं उसे पॉन्टिफिशियल बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं बिशप का। सो PONTIFICL ये इसकी सही स्पेलिंग है, ऑप्शन वन है राइट आंसर। क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन होता है गुप्त, कैप सीक्रेट, उसे हम बोलते हैं क्लैंडेस्टीन। ठीक है, सो क्लैंडेस्टीन की स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आखिरी जो चार लेटर होते हैं, जैसे मैंने इसको याद रख रखा है, STIN ही होता है, तो यहां पे देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, STIN ही है बट इसमें आई दो बार है। ठीक है, कोई रिपीटेशन जो है आई की दो बार नहीं होती क्लैंडेस्टाइन की स्पेलिंग में, तो ऑप्शन टू है राइट आंसर। मैं अपना तरीके से आपको बता रहा हूं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मेरा तरीका क्या पता आपको अच्छा ना लगे, बट आप वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, इनकी स्पेलिंग आप लिखिए जो आपको नहीं आती। मेन मकसद इस वीडियो का यही है, मैं कोई अपना मेथड आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। एरेनियस, एरेनियस की क्या स्पेलिंग होती है? एरेनियस में ध्यान रखना दोस्तों, डबल आर का एक पेयर होता है और इसके अंत के जो चार लेटर होते हैं वो होते हैं EOUS। यहाँ पे आप देखिए आपको कंडीशन मिलेगी ऑप्शन वन के अंदर, तो ऑप्शन वन है राइट आंसर, RRON EOUS। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट की क्या स्पेलिंग होती है? सैटेलाइट की स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, सैटेलाइट में डबल एल का ही पेयर होता है और कोई पेयर डबल नहीं होता। मैक्सिमम हम कंफ्यूजन होती है हमें डबल टी वाले पेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सैटेलाइट ऑप्शन टू है राइट आंसर, SATELLIT। प्लेबियन, प्लेबियन की क्या स्पेलिंग होती है भाई? तो प्लेबियन की स्पेलिंग होती है आपकी PLEBEIAN। सो IAN होता है आखिरी में, तो ये हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? ऑप्शन टू में देखिए, PLEBEIAN सारे लेटर हमें मिलते हैं, तो ये आपका प्लेबियन, जिसका मतलब हिंदी में होता है सर्वसाधारण। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू लोकल सोशल क्लास, लोअर सोशल क्लास, सॉरी। मिलेनियम, मिलेनियम की क्या स्पेलिंग होती है? ये भी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है मिलेनियम की स्पेलिंग।
सो मिलेनियम की स्पेलिंग होती है दोस्तों एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एन। तो इसमें दो पेयर होते हैं, एक होता है एल का एक होता है एन का। इसमें एल का ही है, इसमें सिर्फ एन का है और इसमें सिर्फ एल का है, ये गलत। तीनों ही ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गई, तो ऑप्शन थ्री है राइट आंसर, एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एन। ज्वेलरी, ज्वेलरी की क्या स्पेलिंग होती है? ज्वेलरी की स्पेलिंग होती है जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर वाई, जे ई डब्ल्यू ई डबल एल। इसमें एक ही पेयर होता है एल का, ई आर वाई। सो ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। पुरेंटिकल, पुरेंटिकल की क्या स्पेलिंग होगी? पुरेंटिकल की स्पेलिंग होगी आपकी पी यू आर आई टी ए एन आई सी एल। ये देखिए टी ए एन आई सी एल आपको कहां पे मिलता है? ऑप्शन टू है राइट आंसर, पी यू आर आई टी ए एन सी आई एल। ठीक है, इसका मतलब होता है सख्त, सख्त बिहेवियर। डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट की क्या स्पेलिंग होती है बताइए? डिटीरियोरेट होता है आपका जो क्या होता है, समय के निरंतर के साथ क्या होता है, घिसता पिटता जाता है जिसकी कंडीशन, ठीक है, खराब होती जाती है समय के साथ साथ कंडीशन। तो डिटीरियोरेट की स्पेलिंग होती है डी ई टी ई आर आई ओ आर ए टी ई। डिटीरियोरेट की स्पेलिंग में कोई भी पेयर नहीं होता, पहली बात तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें पेयर है, ऑप्शन टू में गलत है, ऑप्शन वन में पेयर है, ये भी गलत है। अब हमारा बच गया ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर। ध्यान रखना डिटीरियोरेट में पहले डी ई टी ई होता है ना कि डी ई टी ए होता है। सो डेटा, डेटा नहीं होगा, डिटीरियोरेट। प्रोनंसिएशन यदि आप सीखते हो तो उससे भी आप जो है स्पेलिंग काफी हद तक याद रख सकते हो। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। एक्वेरियम, एक्वेरियम की स्पेलिंग क्या होगी? एक्वेरियम की स्पेलिंग होती है ए क्यू यू ए आर आई यू एम। एक्वेरियम में कोई पेयर नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्वेरियम की स्पेलिंग यहां पे देखिए ए सी सॉरी ए क्यू यू ए आर आई यू एम कहां पे मिलता है? ए क्यू यू ए आर आई यू एम, ये हमें मिलता है ऑप्शन थ्री में। ऑप्शन थ्री है हमारा राइट आंसर। टोबैको, तंबाकू, तंबाकू की क्या स्पेलिंग होती है? टोबैको में ध्यान रखना एक सी का पेयर होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे को मिलती है ऑप्शन टू, देखिए टी ओ बी ए डबल सी ओ, टोबैको। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, सो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग होती है दोस्तों ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई। कोई भी इसमें पेयर नहीं होता, ध्यान रखना, जहां भी आपको पेयर दिखे तो वो तो गलत हो जाएगा आपका। और सो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, ऑप्शन वन है राइट आंसर। नार्सिज्म, नार्सिज्म की क्या स्पेलिंग होती है? नार्सिज्म की स्पेलिंग होती है एन ए आर सी आई डबल एस आई एस एम। इसमें एक एस का पेयर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे देखिए एन ए आर सी आई डबल एस आई एस एम, तो ये हमें मिलता है ऑप्शन थ्री में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर। माउंटेनियर, पर्वतारोही, माउंटेनियर की स्पेलिंग होती है दोस्तों एम ओ यू एन टी ए आई एन डबल ई आर, ठीक है। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो माउंटेन, ठीक है, और फिर डबल ई आर। तो देखिए माउंटेन कहां पे मिलेगा हमें? यहां पे एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन मिल गया, ठीक है, और डबल ई आर। तो ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। मैसेक्रे, ठीक है, मैसेक्रे का स्पेलिंग जो होती है दोस्तों वो होती है एम ए डबल एस ए सी आर ई। इसमें एक पेयर होता है एस का, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन फोर एम ए डबल एस ए सी आर ई, ऑप्शन फोर है आपका राइट आंसर। रिसिपियंट, रिसिपियंट जो प्राप्त करता है, ठीक है, उसे हम रिसिपियंट बोलते हैं।
रिसिपियंट की स्पेलिंग होती है आर ई सी आई पी आई ई एन टी, और ये सारे लेटर हमें मिलते हैं ऑप्शन टू में। ओकेजन, ओकेजन की अक्सर स्पेलिंग हम लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है ओकेजन की स्पेलिंग। ओकेजन की स्पेलिंग में ध्यान रखना जो पेयर होता है वो सी का होता है, अक्सर हम एस का पेयर मान लेते हैं और गलती कराते हैं, तो ओकेजन में सी का पेयर होता है ध्यान रखना। और ये हमें कहां मिलता है, ऑप्शन टू देखिए, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। प्रिविलेज, विशेषाधिकार जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्रिविलेज में ध्यान रखना दोस्तों जो स्पेलिंग होती है पी आर आई वी आई एल ई जी ई प्रिविलेज, ये स्पेलिंग होती है प्रिविलेज की। सो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका रेजुविनेशन, रेजुविनेशन की ध्यान रखना दोस्तों स्पेलिंग होती है आर ई जी यू वी ई एन ए टी आई यू रेजुविनेशन। सो ऑप्शन वन है आपका राइट आंसर, ठीक है। एनहीलेट, एनहीलेट होता है ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, तबाह कर देना। एनहीलेट की स्पेलिंग होती है ए डबल एन आई एच आई एल ए टी ई। सो एनहीलेट में ध्यान रखना दोस्तों एक पेयर होता है डबल एन का, सो डबल एन का पेयर देखिए हमें कहां मिला, इसमें डबल एल का पेयर, दो पेयर हो गए गलत, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन टू। सैक्रिन, सैक्रिन की क्या स्पेलिंग होगी, तो सैक्रिन की स्पेलिंग होती है एस ए डबल सी एच ए आर आई एन। सैक्रिन में दोस्तों एक पेयर होता है सी का, ठीक है, ध्यान रखना इसमें एच का पेयर नहीं होता, तो ऑप्शन थ्री तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इसमें डबल सी है हमारा, तो इसको चेक करते हैं एस ए डबल सी एच ए आर आई एन ई, तो ऑप्शन फोर है हमारा राइट आंसर, इसमें एच नहीं है, इसमें एच नहीं है। ग्रामर, ग्रामर की क्या स्पेलिंग होती है, हम सभी जानते हैं जी आर ए डबल एम ए आर, ग्रामर में एक पेयर होता है डबल एम का, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग, ये तो अभी एसएससी के एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछी गई थी, और पीछे जितने एग्जाम हो चुके हैं चाहे एमटीएस हो सीएचएसएल हो सीजीएल हो जेई हो उसमें पूछे गए हैं। कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग होती है सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर, ऑप्शन थ्री। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली की स्पेलिंग होती है दोस्तों आई एन सी आई डी ई एन टी ए डबल एल वाई, ध्यान रखना इसमें एक पेयर होता है एल का, ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो एंड में टी ए डबल एल वाई होता है, इसमें आपको याद रह जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी टी ई डबल एल वाई में, क्लियर। सो इंसिडेंटली ऑप्शन कौन सा फिट बैठता है, थ्री आई एन सी आई डी ई एन टी ए एल वाई। एटिक्विटी, एटिक्विटी जिसे हम हिंदी में शिष्टाचार बोलते हैं, एटिक्विटी की सही स्पेलिंग होती है ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, तो इसमें एक टी का पेयर होता है, इसमें टी का पेयर नहीं है, इसमें टी का पेयर नहीं है, इसमें टी का पेयर है, बट ध्यान रखना जो टी का पेयर होता है वो पहले की बजाय आखिरी में होता है, तो इसमें ऑप्शन वन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन टू ही बचा जो है हमारा राइट आंसर। इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ई सी यू एम ई एन आई सी एल, ठीक है, तो ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। अकरेंस, अकरेंस की स्पेलिंग क्या होगी, काफी बार रिपीट हो चुका है अकरेंस, अकरेंस में ध्यान रखना दोस्तों दो पेयर होते हैं, एक तो होता है सी का पेयर और एक होता है आर का पेयर, सो ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, तो देखिए कहां आपको ये पेयर मिला, इसमें डबल आर का पेयर नहीं है, इसमें डबल आर का पेयर नहीं है, इसमें डबल आर का पेयर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन टू। कैसेट, कैसेट की क्या स्पेलिंग होगी, कैसेट की स्पेलिंग में ध्यान रखना दोस्तों दो पेयर होते हैं, एक पेयर होता है एस का, एक पेयर होता है टी का, तो यहां पे ऑप्शन वन और थ्री में नहीं है, ऑप्शन फोर में नहीं है,
ऑप्शन टू बचा जो है हमारा राइट आंसर, एम्बेरेस। एम्बेरेस की क्या स्पेलिंग होगी? एम्बेरेस की स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, एम्बेरेस में दो पेयर होते हैं, एक होता है पेयर आर का और एक होता है पेयर एस का। तो हमें देखिए कहां पे देखने को मिलेगा, इसमें डबल आर का है, एस का नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और एक ही ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन टू, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, एम्बेरेस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। तो यहाँ पे नेफेरियस की सही स्पेलिंग लिखी हुई है, बाकी तीन स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। एसिडस की स्पेलिंग होती है ए डबल एस, इसमें ध्यान रखना एस का पेयर होता है, डबल एस आई डी यू ओ यू एस, तो ये स्पेलिंग होगी एसिडस की। और इसके बाद बात करते हैं मैकेबर, मैकेबरे में ध्यान रखना बी आर ई होता है एंड में, तो यहाँ पे एम ए सी ए बी आर ई, ये सही स्पेलिंग होगी। और लोक्वेशियस में यहाँ पे ये स्पेलिंग वैसे देखने में सही लग रही है, बट क्याऊ के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। लोक्वेशियस कौन होता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, बातों नहीं। एनवेलप की क्या स्पेलिंग होगी बताइए, एनवेलप की स्पेलिंग होती है दोस्तों ई एन वी ई एल ओ पी ई, ठीक है। तो ऑप्शन टू है राइट आंसर। न्यूरोसर्जन, होम्योपैथ, ब्यूरोक्रेट, वेटरनरी, तो बताइए कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है। तो ऑप्शन फोर है दोस्तों, उसकी स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना। बाकी जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो ठीक है। वेटरनरी की स्पेलिंग होती है वी ई टी ई आर आई एन ए आर वाई, तो यहां पे आर से पहले की आई से पहले सॉरी क्या आएगा आर, तो ये स्पेलिंग सही हो जाती। तो दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्पेलिंग है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुकी है। फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग होगी पी एच ए आर एम ए सी यू टी आई सी ए, तो फार्मास्यूटिकल ये आपकी सही स्पेलिंग होगी। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में मिलता है, ये हमें मिलता है ऑप्शन थ्री में, पी एच ए आर एम ए सी यू टी आई सी एल, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इन्यूमेरेबल। इन्यूमेरेबल की स्पेलिंग होती है दोस्तों आई डबल एन यू एम ई आर ए बी एल, ध्यान रखना एल के बाद ये आएगा इन्यूमेरेबल। इन्यूमेरेबल में एक पेयर होता है एन का, इसको आप तोड़ के याद रख सकते हो इन न्यूमेरेबल, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थोरोली। थोरोली की स्पेलिंग होगी, आपको इसके याद, इसको थोरोली की स्पेलिंग याद रखने के लिए आपको थोरो की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। थोरो की स्पेलिंग क्या होती है, टी एच ओ आर ओ यू जी एच, थोरो के बाद इसको जो है एल वाई लगा दिया इसमें, तो ऑप्शन टू है राइट आंसर, टी एच ओ आर ओ यू जी एच एल वाई, थोरोली, ऑप्शन टू है राइट आंसर। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी की स्पेलिंग क्या होगी, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है आकस्मिक लाभ, मतलब कि एक एक दम से आपको जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं आकस्मिक लाभ, सडनली प्रॉफिट, आपका लक कह लीजिए, लक की वजह से या किसी चीज की वजह से। सो एस ई आर ई एन डी आई पी आई टी, ये सारे के सारे लेटर हमें मिलते हैं ऑप्शन टू में, एस ई आर ई एन डी आई पी आई टी वाई। क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस की स्पेलिंग होती है, क्विंटेसेंस का मतलब होता है उच्चतम उदाहरण, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल। क्विंटेस के क्विंटेसेंस की स्पेलिंग होती है क्या यू आई एन T E डबल S E N C E, इसमें एक पेयर होता है डबल S का, ठीक है। तो ये हमें कौन से में मिलेगा, क्या U I N T E डबल S E N C E मिलता है हमें ऑप्शन थ्री में। तो ये थी आपकी दोस्तों 50 टॉप 50 मिसस्पेल्ड वर्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ,
शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। वीडियो में यदि कोई भी सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।